प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग के एग्जाम है जो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। तब तक अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे हम लोग क्या? हम लोग और चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे, स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हम लोगों के भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है। आंदोलन करते हैं तो प्रशासन आप लोग को लाठी चार्ज करेगा? हां, कोई नहीं, प्रशासन लाठी चार्ज करे, गिरफ्तार करे, उसके लिए हम लोग रेडी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त मीठापुर आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के बाहर और यहाँ सैकड़ों छात्र जो है उग्र होकर के सड़क पर उतर चुके हैं, यातायात को भी बाधित कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का सेशन जो है वो डिले हो रहा है। 8-9 मंथ बताया जा रहा है कि 8-9 मंथ इन लोगों का सेशन जो है वो डिले चल रहा है। सरकार से इन लोगों का मांग है कि ऑनलाइन एग्जाम ले ले, क्योंकि आगे की भी इन लोगों की पढ़ाई करनी है, इनके भविष्य के साथ जो है यूनिवर्सिटी जो है खिलवाड़ करने में लगी हुई है। ऐसे में उग्र होकर के छात्रों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उग्र होकर ये लोग सड़क पर उतर चुके हैं। हालांकि विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा गेट बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन जो है वो जारी है। कुछ लोग से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग के एग्जाम है जो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, इससे हम लोग का सेशन लेट हो चुका है। हम लोग एग्जाम कब देंगे उसके बारे में हम लोग को अभी कोई जानकारी नहीं है, और ना ही बात करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए आप लोगों का जो है वो बंद कर दिया गया है, तो क्या इस बात को आपने यूनिवर्सिटी में रखे हैं? लेकिन बात करने हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, जिसका एग्जाम 27 जनवरी से ऑफलाइन मोड में होने वाली थी, लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार यूनिवर्सिटी ने अगले आदेश तक परीक्षा स्थगित कर दी गई है, और यूनिवर्सिटी के अनुसार एग्जाम फरवरी लास्ट में या मार्च शुरुआती में ली जाएगी, जो कि पहले से ही सेशन 8 मंथ लेट है, और दो मंथ और होने के बावजूद 10 महीना सेशन लेट हो जाएगा, और 2023 में हम लोग को गेट एग्ज़ाम देना है जो कि 5th सेमेस्टर में रहना चाहिए, और सरकार का रवैया है कि यूनिवर्सिटी का रवैया है कि 2 साल में 2 एग्ज़ाम ली है, और हम लोग अगले साल गेट का एग्जाम कैसे दे पाएंगे? फॉर्म भर दिए हैं? हाँ, हम लोग फॉर्म जमा कर दिए, सब कुछ जमा कर लो, लग चुका है हम लोग का 3700। हाँ, 3700 रुपया हम लोग फीस जमा कर दिए हैं, और हम लोग का मांग है कि 27 तारीख से हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम ले या प्रमोट करे, और फिर से अगला सेशन में 3rd सेम का पढ़ाई करें। आगे आप लोग क्या सोचे हैं अगर इस तरीके का रवैया रहा, और क्या यूनिवर्सिटी से बातचीत आप लोगों की हो रही है? हम लोग एडमिशन कैंसिल करा लेंगे इस तरह का रवैया रहेगा तो। हम लोग इतना लेट, हम लोग का लाइफ खराब, 2020 में डिग्री कैसे मिलेगा? अभी तक हम लोग 1st सेमेस्टर में ही है, 2nd सेमेस्टर का एग्जाम 27 तारीख से होना था, जो कि ऑलरेडी 10 महीना लेट चल रहा है, तो हम लोग से बात करने के लिए वीसी तैयार भी नहीं है, जो कि हम लोग यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हुए हैं, अब कोई तरह का जानकारी भी नहीं दे रहे, या तो ऑनलाइन एग्जाम ले या तो प्रमोशन दे दे हम लोग को, नहीं तो 3rd सेमेस्टर में भी लेट हो रहा है, फिर फरवरी या मार्च में फिर एग्जाम होगा, तो वो बहुत लेट हो चुका है। अभी बोले तो 10 महीना हम लोग का सेशन जो है लेट चल रहा है, और इस पर से हम लोग की मांग ये है कॉलेज से, या इसको बोले तो प्रमोट किया जाए, या फिर ऑनलाइन एग्जाम लेके इसको यहाँ पर जो हम लोग का 2nd सेमेस्टर का जो है इसको करके, उसके बाद हम लोग का 3rd सेमेस्टर स्टार्ट किया गया। मैम, हम लोग का ऑनलाइन स्टडी हो सकता है, तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? हम लोग सोचे हैं कि 3rd सेमेस्टर का स्टडी अभी स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग का सेशन ऑलरेडी बोले तो 8 से 9 महीना लेट चल रहा है। आज यहाँ आने का बस मुद्दा यही है कि जितना जल्दी हो सके एग्जाम का डेट दे दो, और एग्जाम जल्दी से लेकर हम लोग को 3rd सेमेस्टर पहुंचा दें, क्योंकि हम लोग बहुत समय से 1st ईयर में ही लगे हुए हैं, और ये लगभग 1.5 साल बीत चुका है। तब कोर्स होता है टेक्निकल, ठीक है, 6 महीना में 1 सेमेस्टर होता है, यहाँ पर 3 महीना में करवाया जा रहा है, वो भी क्लास मतलब परमानेंट नहीं हो रहा है, छोड़ छोड़ के क्लास होता है, और उसमें भी अभी 3 महीने में इनको एग्जाम लेना है, और ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती है इनको, इनके पास सुविधा ही नहीं है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ऐसा क्या लोग क्या परेशानी है? मैम, हम लोगों का ऑलरेडी सेशन बीटेक का सर मैम 8 महीना लेट चल रहा है, और 27 जनवरी से एग्जाम होने वाला था, जिसको कि अनिश्चित काल तक पोस्टपोन कर दिया गया है अगले आदेश तक सरकार के, तो हम लोगों का ऐसे और सेशन लेट हो जाएगा। मैम, हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों को ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए या तो फिर प्रमोट किया जाए, क्योंकि मैम हम लोगों का समय भी बहुत कीमती है, हम लोगों का 4 साल का टेक्निकल डिग्री 5 से 6 साल में मिलेगा, और हम लोगों ने एक आवेदन दिया था 21 तारीख को यूनिवर्सिटी में, उसके तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, कोई नोटिस उधर से नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिला, बस हम लोगों को चाहिए यही, हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को प्रमोशन चाहिए या तो फिर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराइए, अदर स्टेट अदर यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन एग्जाम। विद्यार्थी
विद्यार्थियों को ही क्यों दूर भागना पड़ता है, क्यों सड़क पर उतरना पड़ता है? ये यहाँ की शिक्षा नीति ही ऐसी है, ये सिस्टम है। सिस्टम ध्यान नहीं देता कि सिलेबस क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको ध्यान देकर अपना टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहिए। पिछले बार हुआ था प्रोटेस्ट, पुलिस लाठीचार्ज की थी, पिछली बार एक लड़का का हाथ टूटा था, लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ, पिछले बार एक लड़का का हाथ टूटा था। तो ये देखिए किस तरह से छात्र जो है अपने हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। और देखिए हम लोगों का सिंगल पॉइंट डिमांड है कि आठ जो हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होना था, ऑलरेडी 8 मंथ लेट चल रही है। जब 8 मंथ लेट चल रही है तो उसका कम से कम परीक्षा जो है ऐसे भी ऑफलाइन परीक्षा स्थगित की गई। जब देश के तमाम विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हम लोग टेक्निकल छात्र हैं, तो क्यों ना हम लोगों का ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, यही हमारा डिमांड है और तमाम छात्र छात्राओं की ओर से यही डिमांड है। हम लोग लेटर भी लिख चुके हैं, कई बार ये लेटर हम लोग भेज चुके हैं पहले भी विश्वविद्यालय को कि हम लोगों का ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए, क्योंकि ऑलरेडी 8 मंथ सेमेस्टर लेट चल रही है लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा रही है, जिसकी का मांग है तकनीकी छात्र संगठन के माध्यम से। हम तमाम छात्र छात्राओं की ओर से यही हमारा सिंगल पॉइंट डिमांड है। विश्वविद्यालय जब ऑनलाइन शिक्षा देती है, ऑनलाइन पढ़ाई करवाती है, हर कुछ ऑनलाइन करवा रही है, आज के ज़माने में 2 साल कोविड का हो गया लेकिन यूनिवर्सिटी कर रही है कि ऑनलाइन का हमारे पास सुविधा नहीं है, ऐसा क्यों? हमें ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए और हमारा सीजन को बचाया जाए ताकि 8 मंथ सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, 8 मंथ ऑलरेडी लेट हो चुका है। तब तक अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे हम लोग क्या? हम लोग और चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे, स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हम लोगों के भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है। हाँ कोई नहीं, प्रशासन लाठीचार्ज करे, गिरफ्तार करे, उसके लिए हम लोग रेडी हैं। देखिए सीधी सीधी बात यह है, आपने बोली कि प्रशासन हम लोगों को लाठीचार्ज करे, कोई नई बात तो है नहीं, हर एक चीजों में लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं लिया जा सकता? सेशन ऑलरेडी डिले चल रही है तो आप प्रमोट कीजिए बच्चे को, और जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ऑलरेडी ये सारे चीज़ हो जाएंगे। जैसे देखिए मध्य प्रदेश में अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। बच्चे के साथ क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चे के पास में नहीं, किसी कॉलेज में फैकल्टी है, हम लोगों के पास में नहीं कुछ भी है, तो ये सब चीज़ किया जाना चाहिए। विशेष आपको सौरभ जी बताएंगे। वो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे छात्रों का, साफ तौर से कहना है कि हम लोगों का एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले ले ताकि हम लोग को जो परेशानी है वो परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग 8-9 मंथ से जो है ये संघर्ष कर रहे हैं, हर बार की तरह बात चित हो रही है यूनिवर्सिटी के जो भी यहाँ के अधिकारी हैं उन लोगों से, लेकिन कोई अभी तक उस पर ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।